Hi guys, welcome. I am Priya. So guys, today I am here with a new video as usual. So आज का जो मेरा video है ना वो है मेरा bridal lehenga. Title देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. Let me quickly tell you about my wedding lehenga. Actually ये बहुत ही heavy lehenga नहीं है, और जैसे कहते हैं ना कि brides का जो lehenga होता है mainly होता है red in color, right? या फिर maroon होता है, golden होता है. But मेरा जो lehenga है ना बहुत ही simple सा है, decent सा है और designer lehenga है. ज़्यादा costly भी नहीं है. मैं आपको price, design, मतलब सारी चीज़ें आपको details में वीडियो में आगे बताऊंगी. सो वीडियो को एंड तक देखते रहना. तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वेडिंग लहंगा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम गर्ल्स को ना दूसरों की वेडिंग के लहंगे ज्वेलरी देखना बहुत ही अच्छा लगता है. एम आई राइट? आप प्लीज़ कमेंट बताना कि अगर आपको भी अच्छा लगता है, और आपको मेरा लहंगा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना. सो गाइस, लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट दिस लहंगा. एक्चुअली ये लहंगा पहले मैं दिखाई देती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल्स बता दूँ ना कि मैंने कहाँ से लिया, कितने के लिया, क्योंकि तब आपको भी आइडिया लगेगा, आपको भी इंटरेस्ट लगेगा ना कि हाँ इसका प्राइस कितना होगा, आपने कहाँ से लिया है ना. तो चलो मैं पहले लहंगा दिखा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपना लहंगा कैसे स्टोर करके मैंने रखा है अभी तक. एक्चुअली मैंने अपनी वेडिंग का लहंगा ना मैंने शायद से एक ही बार पहना है अपनी करवा चौथ में. उसका भी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के एंड में, वीडियो भी शेयर करूँगी तो वीडियो को देखते रहना. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना लहंगा कैसे स्टोर करके रखा है. सो गाइज़ ये है उस लहंगे का बैग. एक्चुअली जो बैग है ना वो साथ में ही मिलता है, तो ये ट्रांसपेरेंट बैग मिला था, तो ये स्टोर करने में काफ़ी इजी हो जाता है आपका लहंगा. लहंगा क्या आप ऐसी बैग जो आती है ना उसमें आप अपनी साड़ियाँ भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ. सो बहुत ही जल्दी मैं अपना साड़ी कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसे स्टोर करके रखती हूँ अपने साड़ियों को, ब्लाउज़ को मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी. तो अभी मैं बात करती हूँ ब्राइडल लहंगा की. मेरी शादी का जो लहंगा है मैंने इस तरीके के बैग में रखा है. एक्चुअली ये बैग इसके साथ ही आया था. एक्चुअली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हैवी है. इसमें मेरा ब्राइडल बैंगल्स भी हैं, ब्राइडल जो चूड़ियाँ होती हैं और भी तो चीज़ें हैं. तो अभी लहंगे की बात करूँ तो मैं आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ. सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, तो मेरा जो शादी का लहंगा है, ये जो शादी में कोई कपड़े नहीं लगते हैं वो जो क्या बोलते हैं वो पंडित जी मंगाते हैं गांठ वगैरह बांधने के लिए जोड़े का, तो वो जो कपड़ा था ना मैंने उसमें इसको ऐसे लपेट के, और उस पर पता है बैग में जो लहंगे वाला बैग है उसमें मैंने पेपर लगा के और बहुत अच्छे से रखा है, ताकि मेरा लहंगा बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो. अगर मैं उसे 10 साल बाद भी पहनूँ ना तो मुझे एज़ इट इज़ ही मिले. और मुझे ना पर्सनली ये लहंगा बहुत पसंद है, इसलिए पता है मैंने ना बहुत हैवी नहीं लिया था. कहते हैं ना कि ब्राइडल जो लहंगा होता है मेनली हैवी लहंगे ही होते हैं, बट पर्सनली मुझे क्या लगता है ना कि आप डिज़ाइनर पीस पहनो, भले वो थोड़ा सा कम हैवी हो एज़ पर योर ओकेज़न, बट थोड़ा सा डिज़ाइनर हो कि आप इन फ्यूचर कभी भी उसे यूज़ कर सकते हो, कभी भी पहन सकते हो. सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ लहंगे के ब्लाउज़ से. ओके, तो आप प्लीज़ कमेंट बताना कि आपको मेरा ये लहंगा कैसा लगा ब्राइडल. ये है इसका ब्लाउज़, ये पूरा गोल्डन कलर में है, बट गाइस इसका जो गोल्डन कलर है ना वो थोड़ा सा जो मेटल वाला कलर होता है ना, थोड़ा सा बेज गोल्डन काइंड ऑफ कलर, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट सा नहीं लगता है, बट इस पर थोड़ा सा शिमरी काम है. मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा ना जूट टाइप का फैब्रिक है जिसमें शाइन भी है, अगर आप समझ पा रहे हो क्लियर देख कर. जूट टाइप का फैब्रिक है, थोड़ा सा मोटा है, और यू नो थोड़ा सा इसमें ना शिमर का ऐसे थ्रेड वर्क हुआ है, तो ये शाइन कर रहा है, और इसे पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है. सी, मैंने 3/4 स्लीव इसलिए करवाया था क्योंकि मेरे को लगा कि उस टाइम काफ़ी ना आज से 4 साल पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी था ये स्लीव, एंड मुझे क्या लगा कि मैं अभी ये स्लीव पहनूंगी एंड जब मेरा मन करेगा तो मैं इसे स्लीवलेस करवा लूँगी या फिर कट स्लीव हाफ स्लीव करवा लूँगी. तो जो फुल स्लीव्स की या 3/4 स्लीव्स के ब्लाउज़ होते हैं ना, या जो भी कुर्ते होते हैं, उसमें ना ये फ़ायदा होता है कि आपका जब मन करे आप फुल स्लीव पहनो, 3/4 पहनो, जब आपका मन भर जाए ना तो आप उसे स्लीवलेस कर लो या फिर कट स्लीव बना लो. राइट, इसकी जो पिक्चर्स हैं ना वो मैं साइड में अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हो. और इसके अपनी जो वेडिंग के पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं ना वो आपको देखने हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना. मैं लास्ट में ना अपने वेडिंग के पिक्चर्स और वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी. सो अभी बात करते हैं लहंगे की. पहले आप मेरा लहंगा देख लो, फिर मैं वेडिंग के यू नो फोटोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी. तो ये है इसकी स्लीव, और इसका नेक जो है ना इस टाइप से है. मैंने थोड़ा सा ना ब्लाउज़ जो होता है ना नॉर्मल वो आपका शॉर्ट होता है, मैंने थोड़ा सा लॉन्ग सिलवाया था चोली काइंड ऑफ, यू नो थोड़ा सा टमी एरिया आपका ना दिखे. बाकी तो यार बाद में मैं इसे अपने अकॉर्डिंग यू नो करवा सकती हूँ, आप नीचे से शॉर्ट करवा सकते हो. और ये है इसका फ्रंट, फ्रंट में भी इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी दे रखी है. सी, एम्ब्रॉयडरी इतनी प्यारी है ना गोल्डन एंड रेड कलर में. इस वाले ब्लाउज़ को ना बहुत सारी साड़ियों पे भी मैं कैरी कर सकती हूँ. थोड़ा सा ये है कि अब विंटर में ही मैं इसे पहन सकती हूँ, क्योंकि ना
थोड़ा सा इरिटेटिंग वाला कपड़ा है बट मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद था इसलिए मैंने ले लिया। और जब मैंने इसे नेक्स्ट टाइम अपने करवा चौथ में पहना था ना, तो मैंने ये वाला लहंगा अपने डिफरेंट ब्लाउज़ के साथ पहना था। मैं आपके साथ वो भी पिक्चर शेयर करूँगी, तो आप बताना कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो ये इसका फ्रंट है और बैक जो है उसका थोड़ा सा इससे डीप है। बैक में इन्होंने हुक दिया हुआ है। एक्चुअली अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा मुझे ना ये साइड जो जिप वाले ब्लाउज़ होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहनने के लिए भी मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मैंने एक्चुअली उनको भी यही बोला था। ये ब्लाउज़ एक्चुअली मैंने टेलर से नहीं स्टिच करवाया था, जिस शॉप से मैंने लहंगा लिया था ना उन्होंने बोला था कि हम आपका स्टिच करवा देंगे। तो हमें मुझे लगा कि ठीक है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने वहीं पे अपना साइज़ वगैरह नाप वगैरह दे दिया था। तो वहीं से ही मुझे मतलब ये लगा ना कि चलो एक ही जगह से मुझे पूरा लहंगा ही उठाना रहेगा, मुझे बार बार ये नहीं कि वहाँ से मुझे लहंगा स्टिच करने के लिए मतलब देना है वहाँ पे फिटिंग के लिए, यहाँ पे मुझे ब्लाउज़ देनी है। तो ये था कि मैं शॉप से ही जाऊँगी और वहीं से सीधे पिक कर लूँगी। तो ये था इसका ब्लाउज़, ये है इसका ब्लाउज़ है ना। और अंदर में लाइनिंग दी हुई है, सी कॉटन की लाइनिंग दी हुई है बेज कलर की। कलर इसका बहुत प्यारा मुझे लगा, क्योंकि ना थोड़ा सा कपड़ा इसका फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है, विंटर के लिए ही अप्रोप्रिएट है, समर्स में नहीं पहन सकती हूँ मैं, बट डिज़ाइन कलर बहुत प्यारा है। और बैक साइड में मैंने नॉट के लिए डोरी भी लगा रखी थी, लगवा दिया था। और ये लटकन भी उन्होंने लगा के दिया था जो कि मेरे लहंगे से मैच कर रहा था, गोल्डन बेज और क्रीम कलर में। सो गाइज ये है इस लहंगे का ब्लाउज़। ओके, तो ब्लाउज़ के बाद मैं लहंगे की चुन्नी की बात करती हूँ। लहंगे की चुन्नी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि लहंगा ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहती है ना लहंगा देखने के लिए, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनर सा है। तो पहले मैं चुन्नी दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ना दो चुन्नी हैं, देखो सी ये इस लहंगे की चुन्नी है, मतलब इतनी प्यारी ना, जैसे कहते हैं ना कि जो टमाटर वाला रेड कलर होता है ना, मतलब एकदम टमाटरी सा रेड कलर, ना ही वो मरून में आता है ना ही वो लाइट रेड में आता है। मतलब अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आई डोंट नो आपको क्या लग रहा है ये कलर, बट यार रियली इसे जो कहते हैं ना ब्लड रेड वाला कलर, वो वाला कलर है। मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका कलर, इसका चुन्नी। और आप चुन्नी देख सकते हो, उस पर लेस कितनी प्यारी। चलो मैं बताती हूँ। ओके, ये जो है दुपट्टा वो सॉफ्ट नेट का दुपट्टा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जो सॉफ्ट नेट होता है ना, थोड़ा सा हैवी वाला नेट होता है वो है, बहुत लाइट वेट नहीं है। और इस पे ना ये मेटल कलर में ऐसे पूरी लेस लगी हुई है, सी कितनी प्यारी सी लेस है, इसका कलर इतना प्यारा है ना। मतलब कि मेनली आपने क्या देखा होगा लहंगे में, जो ब्राइडल लहंगा होते हैं मोस्टली उनमें क्या रेड एंड गोल्डन का काम होता है ना, रेड गोल्डन साथ में बहुत जरी के मोतियों के काम होते हैं। तो वो ना क्या होता है, एक टाइम के बाद ना फेड ख़राब भी होने लगता है, मोतियाँ झड़ने लगती हैं, वो मज़ा नहीं देता फिर। आप कितने भी मतलब उसे आप कुछ टाइम बाद पहनोगे ना, फिर वो उतना मज़ा नहीं देता है, मोतियाँ झड़ने लगती हैं, जहाँ पहन रहे हो वहाँ गिर रहे हैं। बट मुझे क्या लगा ना, जब मैंने इसे देखा ना, मतलब मेरी आँखें इस पर गई ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे अपने बच्चों की शादी में भी पहन सकती हूँ। मतलब ऐसा डिज़ाइनर पीस है कि कोई भी पहन ले तो ये नहीं कहेगा ये बहुत हैवी लग रहा है, बहुत मतलब किसी भी ओकेज़न में आप पहन लो तो मतलब ये नहीं लगेगा कि मैंने बहुत ही हैवी सा आउटफिट पहना है जो कि एक ब्राइडल लुक दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना छोटे छोटे ऐसे स्टोन लगे हुए हैं, चिपकाए हुए हैं एक्चुअली ये है ना मेटल ऐसे गोल्डन कलर में। और ये जो लेस आप देख रहे हो ना, ये पैच वाले लेस हैं, अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको बैक से आपको दिखाती हूँ, सी है ना, ये पैच लेस है, जो पैच वर्क वाला नहीं आता है वो वाला लेस है। आप देख लो इसमें उस पर कढ़ाई नहीं हो रखी है, ये पैच अलग से पूरा लगा हुआ है। गाइस ये चुन्नी इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। इसको ना मैं बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हूँ यार, मैं इसे साड़ी पर स्टाइल कर सकती हूँ, मैं इसे प्लेन कुर्ते के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, अदर किसी स्कर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और ये ना एवरग्रीन है, अगर आपको भी ये लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करना, बट मुझे ये पर्सनली लगता है ये एवरग्रीन दुपट्टा है, मैं कभी भी इसे यूज़ कर सकती हूँ, कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होगा, ये हमेशा से ही ट्रेंड में रहेगा। और इसका कलर डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, मतलब कि इतना प्यारा इतना खूबसूरत है ना। मैं इसको आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ, पूरा क्या ओपन करना, सेम दुपट्टा ही है, 2.5 मीटर का ही है, काफ़ी अच्छी लेंथ में मिला था मुझे। और मैं इसे आपको ले के दिखाती हूँ, सी कितना प्यारा लग रहा है। नहीं मुझे ना पर्सनली सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला दुपट्टा, दुपट्टा क्या मतलब ये वाला लहंगा। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ ब्लाउज़ और दुपट्टा ही दिखाया है, सोचो मैं लहंगा दिखाऊँगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा यार। तो ये है मेरा दुपट्टा,
है ना। और कहते हैं लहंगे का जो दुपट्टा है होता है ना, अगर थोड़ा सा लाइट वेट होता है तो आप ना इसे अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि आप जूड़ा बनाते हो हैवी तो उसे कैरी करना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये है इसका दुपट्टा, है ना। और गाइस साथ में ना एक और दुपट्टा है, एक्चुअली ये दुपट्टा नहीं है, ये मेरी शादी की चुनरी है। जैसे कहते हैं ना कि शादी के टाइम पे, फेरों के टाइम पे वो चुनरी डालते हैं सर से, तो लहंगा तो मैंने पहना हुआ था, ये लहंगा पहन के ही मेरा फेरा हुआ था। और उसके ऊपर से मम्मी ने जो मायके से चुनरी मिलती है ना, मम्मी ने ये चुनरी ली थी मेरे लिए, सी ये इसी में रखा हुआ था। सो आई थॉट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मरून कलर में है, एक्चुअली बहुत डार्क मरून नहीं है बट बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये जॉर्जेट मटेरियल में है, अगर आप देख पा रहे हो बंधेज की प्रिंट हो रखी है और पूरे हैवी एम्ब्रॉयडरी के वर्क हैं। एक्चुअली ये लहंगे का पार्ट तो नहीं है बट इसमें साथ में ही रखा हुआ था, तो आई थॉट मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि स्पेशली मैं इस दुपट्टे को तो आपके साथ शेयर करूँगी नहीं, साथ में ही था तो मैं आपको दिखा देती हूँ। साइड में ऐसे लटकन लगे हुए हैं, छोटे छोटे से हैं, कॉर्नर में बड़े वाले लगे हुए हैं, और ये जॉर्जेट का है तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब जॉर्जेट का अगर आपकी शादी होने वाली है ना, अगर आप चुन्नी लेना चाहते हो शादी के लिए, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ना जॉर्जेट कपड़े में लो मटेरियल में, क्योंकि क्या होता है ना ये जो चुनरी होती है ना वो सर से डालते हैं, है ना, शादी के टाइम पे, फेरों के टाइम पे, तो बाकी जो कपड़े होते हैं ना वो स्लिप करते रहते हैं बार बार, तो आपको ना कुछ टक करना पड़ता है। बट जो जॉर्जेट का मटेरियल होता है ना वो थोड़ा सा आपकी बॉडी को हग कर लेता है, अगर आप जानते ही हो ना, तो आप प्रेफर करना कि आप जॉर्जेट का ही लो। सो इस तरीके से काफ़ी आवाज़ भी कर रहा है आपको लग रहा होगा ना, बहुत ही हैवी सा दुपट्टा है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि शादी की जो चुनरी होती है ना, अगर हम सुहागन की कोई सी भी पूजा करते हैं, अगर हमारे घर में छोटी सी पूजा भी होती है ना, तो हम ये शादी वाली चुन्नी लेकर ही साथ में पूजा करते हैं। जैसे कि करवा चौथ हुआ या सुहागनों की जो भी पूजा होती है, तो उसमें ना हम चुन्नी लेकर ही, कोई सा भी ड्रेस आप पहनो लेकिन शादी की चुन्नी मस्ट हैव होती है। सो ये है मेरी शादी की चुन्नी। अब बात आती है लहंगे की, मतलब जो मेन पार्ट होता है ना पूरे आउटफिट का, जो मेन पार्ट है वो है लहंगा। सो आर यू रेडी? यस, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। सी ये है इसका लहंगा। आई थिंक आपको थोड़ा सा येलो कलर दिख रहा होगा ना, हाँ ये येलो कलर है बट थोड़ा सा मस्टर्ड येलो कलर है। सी कितना प्यारा लहंगा है, बहुत ही गॉर्जियस है। इस पर भी ना सेम पैच वर्क हो रखा है। सी जैसे आपने दुपट्टे में देखा ना, दुपट्टे में पतला सा पैच वर्क था, इसमें इतना हैवी सा पैच वर्क हो रखा है। आप पास से देख पा रहे हो ना, बहुत ही प्यारा सा है। मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। यार सच में जब मैंने इसे देखा था ना, मेरा तो दिल आ गया था। मुझे लगा कि, मम्मी ने बोला एक बार मुझे कि शायद से शादी के लिए थोड़ा सा ये लहंगा ना लाइट लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, थोड़ा सा हैवी ले ले। बट मुझे क्या था ना, मुझे डिज़ाइनर चाहिए, मतलब मैं पहनूँ तो मैं डिफरेंट लगूँ। और वाकई में यार मेरा वेडिंग का लहंगा ना, मतलब ये जो लहंगा है ना, मैंने शादी का टाइम पे जब पहना था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। पिक्चर्स आप देख सकते हो, साथ ही साथ मैं लास्ट में भी शेयर कर दूँगी पिक्चर्स, आप देख लेना। कहने को तो बहुत ही सिंपल सा है, मैं बताती हूँ डिज़ाइनर कैसे है। सो पहले तो मैं इसकी बेल्ट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पतली सी लेस लगी हुई है, सी साइड में डोरी है और जिप दी हुई है, ठीक है, क्लोज करने के लिए, है ना, डोरी दी हुई है। और डोरी में ना लटकन लगा हुआ था, काफ़ी हैवी था। मैं आपको दिखाती हूँ डोरी के लिए ना, यहाँ पे लटकन लगा हुआ था, ये था साथ में उन्होंने दिया हुआ था, यहाँ पे इस टाइप से है ना हैंग करने वाला, यहाँ पे ऐसा हैंग करके। ये आपने बहुत यू नो ब्राइडल लहंगे में आपने देखा होगा, बहुत सारे लहंगे में ये लगा रहता है, मतलब साथ में देते हैं, तो ये इसके साथ में था कि आप अटैच कर सकते हो। और मैंने अटैच नहीं किया था क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए था। मतलब कहते हैं ना कि ब्राइडल का लुक बहुत हैवी होता है, मुझे ना एक डिसेंट सा और यू नो डिज़ाइनर सा लुक चाहिए था, ताकि मैं जब भी अपनी वेडिंग की पिक्चर्स देखूँ ना, तो मुझे ये ना लगे यार मैंने कितना ज़्यादा ओवर पहन लिया है, मैंने ये भी पहन लिया, मैंने वो भी पहन लिया। मैक्सिमम यही होता है ना कि हमें लगता है यार हैवी चूड़ियाँ भी तो हैवी होनी चाहिए, बहुत सिंपल नहीं अच्छी लगेंगी, ज्वेलरी भी हैवी होनी चाहिए, बहुत सिंपल नहीं अच्छा लगेगा, लहंगा तो ऑलरेडी हैवी होना ही चाहिए क्योंकि ब्राइडल है यार, मैं अगर ब्राइड हूँ मैं नहीं पहनूंगी हैवी तो कौन पहनेगा। मेनली सबकी थिंकिंग होती है, पहले मेरी भी थी, पर जब मैंने ये लहंगा देखा था, एक्चुअली मैं लेने तो रेड कलर का लहंगा ही गई थी शॉप पे, क्योंकि होता है ना कि हमें शादी है तो मुझे रेड कलर का लहंगा चाहिए, मतलब रेड ही होता है सबके माइंड में कि मुझे रेड मरून में चाहिए। मैं लेडी रेड ही गई थी, बट जब मैंने इसको देखा था ना, बाय गॉड मैं सच बताऊँ ना, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आया था ये लहंगा। पहले तो वो नाना कर रही थी कि नहीं थोड़ा सा लाइट लग रहा है, बट बाद में जब उन्होंने ट्राई करवाया था ना, मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो फिर मैंने मम्मी को भी ये पसंद आया था। तो इस तरीके से ये लहंगा इस साइड से नॉट के लिए दिया हुआ है और इस साइड में पूरा पैच वर्क दिया हुआ है। सी आप देख पा रहे हो
कितना खूबसूरत सा पैच वर्क दिया हुआ है पूरा, ये साइड में आता है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे लेफ्ट में या राइट में रखना चाहते हो, जहाँ आपका दुपट्टे वाला पार्ट से ना ये छिपे नहीं, समझ रहे हो ना, जो दुपट्टा आप लेते हो ना जिस भी स्टाइल में लेते हो, जिधर आपका दुपट्टे का पार्ट ज़्यादा आएगा ना, ये जो पैच वाली डिज़ाइन है आप उसके अपोजिट में कर लो। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। सी ये पैच पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप देख रहे हो, मतलब आपकी कमर से स्टार्ट होता है और आपकी नी से भी नीचे तक आता है सी, और ये पैच वर्क इतना प्यारा है यार। मैंने ना इस टाइप का पैच ना, मैं सच बताऊँ मैं लखनऊ में दिल्ली में मैंने बहुत ढूंढा यार, कि अगर मैं ऐसा कोई डिज़ाइनर आउटफिट अपने लिए बनवाना चाहती हूँ या फिर मैं ब्लाउज़ के लिए साड़ी के लिए मुझे ऐसा पैच मिल जाए, बट यार सच में बताऊँ मुझे ये वाला पैच, मतलब ये इन द सेंस कि सेम पैच नहीं बट इस डिज़ाइन का पैच मुझे कहीं नहीं मिला। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन करना कि आपको ये मेरा लहंगा कैसा लगा वेडिंग का। तो ये है, अभी मैं बाद में ना, अभी मैं लास्ट में आपको वीडियो में एंड में ना मैं पूरा इसका लुक आपको दिखाती हूँ, अभी ऐसे मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग कि। और हाँ पहले मैं बता दूँ, ये जो नेट है सॉफ्ट नेट है, जैसे कि दुपट्टा था ना सॉफ्ट नेट है, थोड़ा सा हैवी वाला है, बहुत लाइट नहीं है कि आप मतलब ऐसे हवा चले और उड़ गए, उस टाइप का नहीं है। इसके अंदर में मैं दिखाती हूँ, सी ये लहंगा है, पहले ये नेट पे ऐसा पैच वर्क दिया हुआ है पूरा, सी है ना, ये पैच वर्क लगा हुआ है गोल्डन कपड़े के साथ में, कपड़े के क्या है वो पैच वर्क ही है, ये नेट है ठीक है। अंदर में सैटन का कपड़ा दिया हुआ है ठीक है, सैटन का इसलिए दिया हुआ है कि अगर ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा ना, शाइन करेगा ना उसमें लाइट की रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा शाइन करेगा, इसलिए यहाँ पे सैटन का कपड़ा दिया हुआ है। और नीचे कैन कैन लगा हुआ है, ये रहा नीचे ना इसमें कैन कैन लगा हुआ है पूरा, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये उठा उठा तो नहीं लगता है, लेकिन पहनने पे ना बहुत प्यारा लगता है यार सच में। मतलब ये लहंगा लेकर के ना मैं इतनी खुश हुई थी, ये एवरग्रीन लहंगा है, मतलब कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होगा, आउट ऑफ फैशन नहीं होगा, हमेशा से ही इन में रहने वाला है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये वाला जो लहंगा है ना मेरा ब्राइडल कलेक्शन आपको कैसा लगा, और हाँ इसके साथ मैंने किस तरीके की चूड़ी स्टाइल करी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। सो ये है मेरा ब्राइडल लहंगा, और इसकी पिक्चर्स एंड वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, और इसका फुल क्लोजअप मैं आपको वीडियो के बाद में दे दूंगी। सो गाइस लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट दिस लहंगा। एक्चुअली ये जो लहंगा है उसका मैं प्राइस बताने जा रही हूँ आपको, कितने का मैंने लिया था, कहाँ से लिया था। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ ये मैंने कहाँ से लिया था। सो बेसिकली मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ यूपी से, सो मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ यूपी में, और सुल्तानपुर के पास है फैज़ाबाद। अगर आप यूपी के हो तो आप जानते ही होगे, अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हो, आप किसी अदर स्टेट से हो, तो मैं आपको बता दूं फैज़ाबाद एक स्मॉल सिटी है, मतलब छोटी सिटी है, बहुत ही अच्छी सिटी है। ये है आप अयोध्या जानते हैं ना, जहाँ भगवान राम का मंदिर है, तो अयोध्या के जस्ट बगल में ही है फैज़ाबाद है ना, और अगर आप यूपी से हो तो आप जानते ही होगे फैज़ाबाद है ना। तो फैज़ाबाद से मैंने ये लहंगा लिया है, ये जो लहंगा है ना वो मैंने फैज़ाबाद में चौक से लिया था। चौक में एक शॉप थी, एग्जैक्टली मुझे शॉप का नाम नहीं याद है, काफ़ी टाइम हो गया, और उसका कुछ यू नो नेम कहते हैं ना कार्ड या फिर कुछ ऐसा पैकेट वगैरह है नहीं मेरे पास अभी, क्योंकि उन्होंने ना जो मैंने आपको बैग दिखाया ना इस टाइप के बैग में ही मुझे दिया था, साथ में छोटा सा कार्ड था, तो वो कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो मुझे एग्जैक्टली शॉप का नाम नहीं याद है। सो बट यार वहाँ पर ना बहुत ही अमेजिंग लहंगे थे, उन्होंने जब दिखाया था वन बाय वन करके ना, बहुत सारे ऐसे कलेक्शन थे, जो कि ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, मतलब चीज़ें सारी ही अच्छी होती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी आंखों को कौन सा चीज़ ज़्यादा अच्छा लग जाए, है ना, ऐसा ही होता है। जैसे कि आपको कौन सा कलर आपका फेवरेट है उस पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस क्या है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर पीसेज उनके पास थे, एंड बहुत सारे कलर वेरिएशन में भी थे, बट मैंने एक्चुअली पहले 10-12 लहंगे देखे, फिर मुझे जाकर ये वाला जब उन्होंने दिखाया ना, और उन्होंने लगा के दिखाया ना मेरे ऊपर, मुझे सच बताऊँ मेरा बहुत मन आ गया था कि यही वाला ही लहंगा मैं लूँगी। और इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस उन्होंने मुझे कोट किया था 13,000 के आसपास, हाँ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है 13,000 के आसपास उन्होंने ये इसका प्राइस कोट किया था, बट आफ्टर डिस्काउंट हमने काफ़ी बार्गेनिंग करी थी उनसे, तो उन्होंने मुझे ये वाला लहंगा 11,500 में दिया था। यस मुझे एग्जैक्टली याद है 11,500 का ये लहंगा मुझे पड़ा था। और गाइज इस प्राइस पर ये लहंगा ना मेरे
मेरे लिए वर्थ इट था, मुझे बहुत पसंद आया और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। क्योंकि आप कोई डिज़ाइनर पीस लेने जाते हो ना, आप किसी मॉल में चले जाओ, किसी डिज़ाइनर शोरूम में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आपको इस प्राइस में ऐसा लहंगा मिलना ना इम्पॉसिबल है। तो ये लहंगा मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, अगर ऑनलाइन लिया होता तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देती, अगर आपको अच्छा लगता तो आप भी बाय कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, मैंने ऑफलाइन लिया था फैज़ाबाद में चौक से। ये था इस लहंगे का डिटेल, मैंने आपके साथ जो शेयर किया है। मैंने ब्लाउज भी वहीं से स्टिच करवाया था, ब्लाउज़ का उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लिया था जो भी था, है ना। तो ये था मेरा लहंगे का डिटेल। तो गाइज ये था मेरा ब्राइडल लहंगा जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये लहंगा। एक डिज़ाइनर पीस है, बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट सा पीस है, और पता है ये मैं ना काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि जो लहंगा है ना बहुत हैवी नहीं है, तो मैं इसे किसी रेड कलर की कुर्ते के साथ, पीच कलर की कुर्ते के साथ, गोल्डन कुर्ते के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, चोली के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, या फिर आप कह सकते हो मैंने एक स्लीवलेस अंदर ब्लाउज डाल लिया, क्रॉप टॉप डाल लिया, और ऊपर से ना मैं किसी जैकेट के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। सो जैसे कि मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ अपने थॉट्स शेयर करे थे ना, कि मुझे ना डिज़ाइनर आउटफिट्स बनाने का बहुत शौक है। मतलब मुझे फैब्रिक मिल जाए, मुझे मेरी मन का टेलर मिल जाए, तो मैं ऐसे ऐसे पीसेस बना दूँगा कि मतलब मैं खुद नहीं समझ पाती। कभी कभी ना ऐसा होता था, पहले क्या होता था, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना प्लेन कपड़े, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो नॉर्मल ऐसे कपड़े होते हैं ना कॉटन के, कोई सा भी घर में पड़ा होता था ना, मम्मी का ब्लाउज पीस पड़ा होता था किसी साड़ी का, तो मैं उसको भी कट करके और डिज़ाइन करके ना एक अपने लिए शॉर्ट कुर्ती बना लेती थी, या फिर अपने लिए एक पर्स बना लेती थी। मैंने बहुत ऐसी चीज़ें बनाई हैं यार, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास अभी होता नहीं, बचपन की चीज़ें यादें होती हैं, जो हम पहले मोबाइल नहीं चलता था, इतना ज़्यादा था नहीं कि हम सारी चीज़ें कैप्चर करके रख सकें, और काफ़ी टाइम हो गया तो वो चीज़ें भी इधर उधर हो गई, इतना संभाल के भी नहीं रखा कभी। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे बनाई थी, सो अभी मैं सोचती हूँ कि काश मैंने संभाल के रखा होता तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, या फिर मैं दोबारा से क्रिएट करती। बट गाइस बिलीव मी, मैं अगर जैसे भी मुझे टाइम लगेगा मैं मार्केट जाऊंगी ना, तो मैं बहुत सारे ऐसे स्क्रैच से ना आपको आउटफिट आइडियाज़ दूंगी कि आप खुद से स्टाइल कर सकते हो अपने ड्रेसेस को, अपनी वेडिंग लहंगे को। बहुत सारी आइडियाज़ मैं आपको देने वाली हूँ अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल के साथ, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करना और वीडियोज़ देखते रहना। क्या पता कौन सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए या आपके मन के अकॉर्डिंग हो जाए, है ना। एंड गाइज बिफोर साइनिंग ऑफ,
लेट मी टेल यू अबाउट दिस गिव अवे. एक्चुअली मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है. अगर आपको नहीं पता मैं फिर से बता दूँ, अगर आप नए हो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो. मैंने मेरे चैनल पे गिव अवे अनाउंस किया है. सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, उसकी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, लिंक मैं बटन पे दे दूँगी, जाके चेकआउट कर लेना. सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं. तो यहाँ पे जो गिव अवे का अनाउंसमेंट मैं करूँगी, विनर के अनाउंसमेंट, वो मैं करूँगी जनवरी में. तो ऑलमोस्ट एक ही महीने रह गया है, जल्दी जल्दी जा करके गिव अवे के रूल्स चेकआउट चेक कर लो, फॉलो कर लो. और यहाँ पे एक या दो विनर्स नहीं होंगे, यहाँ पे पूरे चार विनर्स होंगे. चारों के लिए मैं गिफ्ट की शॉपिंग भी करने वाली हूँ, वो भी मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल. सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो इसी बात पे, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल विद नोटिफिकेशन बेल. सो या दैट्स टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.